तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको दिवाली का बोनस का 5,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि महाराष्ट्र के कामगार मंत्री हसन मुशरीफ ने ये घोषणा की है कि सभी बांधकाम कामगार वालों को 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये कौन लोग होंगे जिनको 5,000 रुपये मिलने वाले, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो बनाने के बाद जिसमें मैंने बताया था कि 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि भाई ये फेक न्यूज़ बता रहे हो आप, कि ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई, ऐसा कोई भी GR नहीं आया। तो दोस्तों इसके पहले भी अगर जिन लोगों को लॉकडाउन के अंदर 1500 रुपये मिले थे तो उसके बारे में भी कोई GR नहीं आया था, बल्कि न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो इसी तरह ये न्यूज़ आई है कि सभी लोगों को 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आप वो कौन लोग होंगे जिनको 5,000 रुपये मिलने वाले, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, और जिन लोगों ने अपना ऑनलाइन रिन्यूअल भी करा चुका है। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों को भी इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था COVID-19 हस्तरंग का जो भी इनको लाभ मिला था, उन लोगों को भी ये मिलने वाले हैं 5,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर जिन लोगों का भी एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट बता रहा है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव बता रहा है, तो उन लोगों को मिलने वाले हैं 5,000 रुपये। और जिन लोगों को पिछले लॉकडाउन में मिले थे 1500 रुपये, तो उन लोगों को भी मिलने वाले हैं यहाँ पर 5,000 रुपये। अब रही बात कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक जिन लोगों को भी वो 1500 रुपये की राशि नहीं मिली है, तो उन लोगों को एक काम करना है, अपना जो भी लेबर कार्ड है उसकी जेरोक्स, अपने आधार कार्ड की जेरोक्स और जितने भी रिन्यूअल पावती किए हैं उनकी सब के जेरोक्स लेकर आपको ऑफिस में जाकर जमा कर देने हैं। ठीक है, तो वो 1500 रुपये भी आएंगे आपको और ये अभी जो बोनस मिल रहा है 5,000 रुपये, वो बोनस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पिछले लॉकडाउन में आपको किन किन लोगों को 1500 रुपये मुझे मिले थे। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमको दिवाली का बोनस कौन सी तारीख से मिलना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।